हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल आदि ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं एक तरीके से रिएक्शन वीडियो देने जा रहा हूँ। कैफ फिटनेस एक चैनल है, तो एक पर्सन ने मुझको उसकी वीडियो भेजी और उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया ऐसे PCT क्या करी जा सकती, क्या ये वीडियो सही है या इसके बारे में आपका क्या सोचना है। तो ये जो वीडियो है इससे ये कुछ मुझको इसमें चीज़ें सही नहीं लगी, तो मैं इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करने वाला हूँ। और कई लोग इसी तरीके सोचते हैं PCT के लेके, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मुझको इंस्टाग्राम पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज बात करते हैं PCT की। और ये जो वीडियो है ये मैं देखूंगा और ये आप भी यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आप लोगों ने साइपोनेट, टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट या एनाथेट, अगर तो आपने ये दोनों यूज किए हैं, अगर आपने साइपोनेट या टेस्टो एनाथेट यूज किया हुआ, उसकी आपने वीकली डोज रखी हुई है 200 mg, 200 mg, 250 mg, तो आपके जो पहली बात ये कि ये साइपोनेट या एनाथेट नहीं होता, बल्कि सिपियोनेट और इनैनथेट होता है। ठीक है, या टेस्टो एनाथेट यूज किया हुआ है, उसकी आपने वीकली डोज रखी हुई है 200 mg, 200 mg, 250 mg, तो आपके जो लास्ट डोज है उससे 4 से 7 या 8 दिन के बाद आपने पहला इंजेक्शन जो है वो आपने HCG का लगवा लेना है। वो बाद में बताऊंगा मैं कैसे लगवाना कैसे नहीं लगवाना। तो मतलब ये है कि अगर आप 200 mg या 250 mg लेते हैं डोजेस साइपोनेट या एनाथेट की, तो आपकी जो PCT है वो 7 से 8 या 9 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप इन्हीं दोनों की डोजेज जो है वो लेते हैं 500 mg, जब 500 mg तो हमारे ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल का लेवल जो है वो हाई होता जा रहा है, तो उसको कम आने में टाइम लगेगा। तो ये फिर PCT आपकी होगी 12 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर, आपने फिर 15 दिन तक आपने जो डोज है। तो ये जो एक चीज़ है ये बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते। एक्चुअली ये जो इन्होंने बताया ये एक अब तक या पुराने टाइम के, यदि हम माने जाए तो पुराने टाइम के स्टैंडर्ड सिस्टम समझा जाता था कि लोग इस तरीके से करते थे। लेकिन जब ठीक से देखा गया और पता किया गया, तो जो बॉडी में आपका इनैनथेट इस्टर है, वो इस्टर आपके बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। इनैनथेट और सिपोनेट हो गया, या फिर डेका का इस्टर हो गया, डेकोनेट का, तो वो इस्टर आपकी बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो देखो होता क्या है, हाफ लाइफ समझने की बात करें, इसका कि 200 mg को लो तो 1 वीक के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप 500 mg ले रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि 2 वीक में आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो समझो बात को, 500 mg यदि आपने लिया तो फर्स्ट वीक के बाद आपकी बॉडी में वो 250 mg बचा। ठीक है, यानी अभी भी 250 mg आपकी बॉडी में है। उसके बाद आपने छोड़ा दूसरे वीक में, आपने अभी भी कुछ नहीं लिया, तो अब आपकी बॉडी में 125 mg है। अब 125 mg के बारे में एक बात समझ लो, 125 mg वो डोज है जो कि TRT पे दी जाती है लोगों को पर वीक। ठीक है, तो अभी भी आपकी बॉडी में बहुत टेस्टोस्टेरोन है, जो आपकी बॉडी नेचुरल बनाती है उससे ज़्यादा। 2 हफ्ते बाद भी यदि आप 500 mg की साइकिल करते, तो 2 हफ्ते बाद भी आपकी बॉडी में अभी भी बहुत टेस्टोस्टेरोन है। तो इसलिए अभी भी आपको PCT स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग 15 डेज या 2 हफ्ते के बाद से स्टार्ट करते हैं। मैंने भी कुछ लोगों को चलवाई है 2 हफ्ते के बाद से, खासकर जो बिगनर होते हैं उनको। लेकिन वो उन्हीं लोगों को चलवाई है जिन लोगों को, जो लोग नए थे उनको मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जो मुझसे काफ़ी टाइम से कोचिंग ले रहे हैं, उनको मुझका ट्रस्ट है, उनको मैं 3 वीक के बाद ही स्टार्ट करवाता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कई बार मैंने कुछ बताया और वो आप लोग वो लोग देख के कुछ आते हैं, अभी वो नए हैं, पहली बार वो मेरे साथ साइकिल कर रहे हैं, पहली बार ऑनलाइन कोचिंग ली उन्होंने, तो उनको इतना ट्रस्ट नहीं होता। धीरे धीरे जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तब उनको और ज़्यादा गहरी बात बताई जाती है। लेकिन वीडियो में आपको हमेशा सही बात बतानी चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या है कि यदि आपने 500 mg लिया, तो तीसरे हफ्ते में, अभी 125 mg आपके 2 हफ्ते के बाद भी आपकी बॉडी में, तीसरे हफ्ते में वो फिर हाफ होगा। हाफ लाइफ का मतलब ये कि वो हाफ हो जाता है, तो कम से कम 1 वीक के हाफ लाइफ है इसकी, या ज़्यादा भी होती है कहीं कहीं। ठीक है, तो तीसरे हफ्ते में ये आपकी बॉडी में लगभग 60-65 mg बचेगा। ये वो डोज है जो आपकी बॉडी नेचुरली जितना बनाती है। अब यदि इसमें डीप में जाएं तो इसमें एक्चुअली ईस्टर भी ऐड है। जैसे 500 mg हमने कहा, तो 500 mg में प्योर 500 mg टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, उसमें ईस्टर का भी वेट होता है। ठीक है, तो इस 65 mg में आपका लगभग लगभग हाफ ईस्टर है। तो अब आपकी जो एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन है वो आ गया है आपके लेवल से थोड़ा नीचे। अब यहाँ आपको PCT करनी चाहिए, क्योंकि आप HCG यूज़ कर रहे हो ना, तो HCG तुरंत ही आपके टेस्टोस्टेरोन को अप कर देगा। इसलिए आपको तब थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, यदि आप बहुत एडवांस बॉडी बिल्डरों की बात समझो, तभी सुनो उनको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनको सुनता और समझता रहता हूँ।
तो वो लोग ये मानते हो, ये बात सही भी है क्योंकि ये टेस्ट में भी निकला है कि कम से कम 5 हाफ लाइफ लगती है आपकी बॉडी में उस चीज़ को लगभग पूरी तरीके से जाने के लिए। फिर भी यदि डिटेक्ट करने की बात हो तो कुछ चीज़ें 6-6 महीने तक या इवन डे का तो एक केस में 1 साल के बाद भी डिटेक्ट हो चुका है बॉडी में, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक बॉडी में रहने वाली चीज़ें हैं, इसका थोड़ा भी ट्रेस अमाउंट डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन उसकी बात खैर कोई नहीं, लेकिन आपकी बॉडी में यदि एक चीज़, यही तो बात है, आप फिर समझो, यदि आपकी बॉडी में थोड़ा भी टेस्टोस्टेरोन जो कि बाहर से आया है वो है, तो बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाती, या तो आपके पूरा आप अपने ऊपर डिपेंड हो। ऐसा नहीं होता कि अच्छा कि इतना टेस्टोस्टेरोन बाहर से तो बॉडी क्या है, हम इतना और बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बाहर से टेस्टोस्टेरोन आया तो उसको, वो चीज़ यदि शट डाउन हो चुकी है आपका HPTA, तो फिर आप उसको बनाने में टाइम लगेगा। अब आपने SCG लिया, SCG तुरंत ही एक्ट करता है, ठीक है? तो आपको अच्छा तरीका, यदि आपने 500 mg लिया या आपने डे का भी लिया है 250 mg का, तो भी आपको 3 वीक्स के बाद आप कर सकते हो। यदि अब यहाँ यदि आपने 250 mg की डोज की है तो आप 2 वीक के बाद स्टार्ट कर सकते हो, 1 वीक नहीं, 2 वीक के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर वही बात है, 250 का 125 और 125 का अप्रोक्स 60, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। PCT आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, यदि आपने लॉन्ग डिस्टेंस यूज़ किया है तो उसकी डोज के हिसाब से तो ये चीज़ होती ही है डेफिनेटली। और दूसरी बात ये होती है कि आप थोड़ा उसको अपनी बॉडी से निकल जाने दो, ठीक है? यदि आप पहले स्टार्ट करोगे तो कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ का नुकसान हो जाएगा, वो ये है कि यदि आप SCG काफ़ी पहले से लेना चालू करते हो तो आपकी बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाती है। LH जो सेल होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है? वो फिर सेंस नहीं करेंगे, तो फिर आपको आगे चल के जब आप अपने नोलवाडेक्स वगैरह लोगे, ठीक है, यदि आप क्लोमेट वगैरह लोगे तो उसमें फिर आपको बेनिफिट थोड़ा कम होता है, जो चीज़ आप नहीं चाहे होगे, ठीक है? आप चाहोगे आपके LH रिसेप्टर भी फ्रेश रहें, डल ना हो जाए, ठीक है? तो आगे देखते हैं। उसके बाद सेम चीज अगर आप लोग डेकानेट लेते हैं, तो अगर आप 200 से 250 mg तक डेकानेट लेते हैं, तो आपकी जो तो PCT है मेरे भाई वो स्टार्ट होगी आपकी 2 हफ्ते के बाद, 13 से 15 दिन के बाद, 13 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी स्टार्ट होगी। आपने PCT जो फर्स्ट डोज है वो आपने लेनी है। उसके अलावा अगर आप 500 mg डेकानेट लेते हैं पर वीक के लिहाज से, तो आपकी ये तकरीबन 18 से लेकर 21 या 22 दिन के बाद आपने इसकी जो फर्स्ट फर्स्ट डोज है HCG इंजेक्शन की, वो आपने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके लेनी है। जो लोग 500 mg डे का यूज़ करते हैं उनको मेरे हिसाब से, यदि आप, वैसे तो इतना डे का नहीं मैं प्रेफर अपनी, कभी किसी क्लाइंट को मैंने ज़्यादा डे का प्रेफर करता ही नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि जो आपका डेंस मसल मास आता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन से आता है, और कुछ चीज़ें जो आपको अदर चीज़ें से आ जाती है। फिर भी कुछ लोगों को करता हूँ, तो जो लोग करते, तो यदि आपने 500 mg डे का यूज़ किया साथ में टेस्टोस्टेरोन को जो भी यूज़ किया है, तो आपको 3 वीक से भी ज़्यादा टाइम अप्रॉक्स 4 वीक्स तक आपको रुकना पड़ सकता है, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जो डेका है वो डेका की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसकी हाफ लाइफ डबल है एक तरीके से आप मान के चलो कि बाकी टेस्टोस्टेरोन एनहांसर वगैरह से, ठीक है, डबल है। तो ये 15 डेज में आपका हाफ होता है, अप्रॉक्स 15 डेज में आपका हाफ होता है, थोड़ा सा कम समझ लो, लेकिन इसमें आपका हाफ होता है। तो इस तरीके से आपको कम से कम ये जो है 4 वीक जब आपका हो जाता है, तब उसके बाद आपको ये चीज़ करनी चाहिए। वो टैबलेट लिया, ये खुद मुझे पढ़ के ना थोड़ी सी हैरान, क्योंकि मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, बाकी मर्जी आप लोगों की अपनी है। अगर आप लोग टैबलेट फॉर्म में लेते हो, क्योंकि टैबलेट फॉर्म की जो हाफ लाइफ होती है बहुत कम होती है, अगर आप टैबलेट फॉर्म लेते हो तो आपको इसकी PCT साइकिल ख़त्म करने से 5 से 7 दिन पहले स्टार्ट करनी होती है, ये भी चीज़ देख लें। तो मतलब टैबलेट फॉर्म में 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता पहले आपको PCT स्टार्ट करनी होती है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके, देखो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि यदि आप टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हो तो PCT पहले स्टार्ट करनी पड़ जाएगी साइकिल ख़त्म होने से पहले, यानी आप डिबॉल ले भी रहे हो साथ में आप PCT भी कर, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका बाहर से कोई भी हार्मोन्स आ रहा है तो फिर आपके PCT का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ नहीं होता है। अब ये होता है कि टैबलेट फॉर्म में यदि कोई सिर्फ और सिर्फ ओरल साइकिल कर रहा है, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है,
ठीक है, यदि कोई अपने मन से सब कुछ करने पर उतारू है तो फिर वो तो रिस्क पे अपनी बॉडी को डाल ही रहा है। लेकिन यदि यदि कोई ओरल करता है और ओरल साथिंग वो 4 वीक्स की करता है, ठीक है, मान लो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उसने डिबॉल यूज़ किया है और सिर्फ डिबॉल यूज़ किया, उसने 4 वीक डिबॉल यूज़ किया, तो मोस्टली ओरल साइकिल कभी एस सी जी की नीड ही नहीं पड़ती। एस सी जी की नीड बिल्कुल नहीं पड़ती, इवन पी सी टी की भी यदि आप बिल्कुल ना, पी सी टी की भी नीड आपको नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप पी सी टी करते भी तो आप पी सी टी बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर जो है इस चीज़ की ओरल 4 वीक्स यदि आपने किया तो 4 वीक्स, देखो 4 वीक्स बहुत ही कम टाइम है शट डाउन के लिए, तो बॉडी अपने आप को वापस से स्टार्ट कर लेती है, ठीक है, क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन कुछ बहुत बनते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, ठीक, दो तरीके से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए ओरल की जो आपने साइकिल कही है इसमें वो जरूरत नहीं, और ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप अभी एक साइकिल कर ही रहे हो, अभी आप कह रहे हो पी सी टी कर लेते हैं, वो लोग जो कि एस सी जी यूज़ करते हैं और साथ में डीबॉल वगैरह यूज़ करते हैं, वो कुछ अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो एज अ पी सी टी नहीं यूज़ करते उसको, वो अलग पर्पज़ होता है। पर्पज़ ये होता है कि हम एस सी जी यूज़ करेंगे तो हमारा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उतना जितना बनता है वो तो बनता ही रहे, प्लस जो डीबॉल है उसका इफेक्ट हमको और मिले, वो इसलिए यूज़ करते हैं, ना कि वो पी सी टी होती है। तो ये चीज़ समझना चाहिए, कई लोग जो हैं वो बहुत ही उनकी अच्छी बॉडी हो जाती है, बस अच्छी बॉडी तो सिर्फ जैसे कि कुछ भी आपने लिया, बहुत आप ले रहे हो, कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट ले रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी हो गई, लेकिन बॉडी अच्छी होना बिल्कुल अलग बात है, और आपको नॉलेज होना, आपका स्टडी होना, उसकी स्टडी अच्छी होना आपकी, ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग बात है। हॉर्मोन्स में आपकी कितनी आपकी स्टडी है, आपकी कितनी पकड़ है केमिकल्स में, वो चीज़ें जो है वो चीज़ें सिर्फ पढ़ने से आती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोगों की हेल्थ का सवाल है, ठीक है, तो आपकी हेल्थ के लिए, व्यूवर्स की हेल्थ के लिए चीज़ें बताना जरूरी है। किसी को सही या गलत ठहराने की बिल्कुल मनसा नहीं है, और मनसा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को सही बताने की, जितना ज़्यादा सही नॉलेज लोगों के पास पहुंच सके। सुनूं, जब HCG का इंजेक्शन हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो इसका सिंपली फंक्शन ये होता है कि जो LH हार्मोन हमारा होता है उसके ऊपर जाके एक्ट करता है और वो एक सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि अब जाके हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है उनको स्टिमुलेट कर दो। जैसे एक चीज़ को, जैसे सोया हुआ बंदा होता है उसको हिलाया जाता है, उठाया जाता है, भाई उठ यार काम कर अपना। तो देखो यहाँ पर टेक्निकल ये चीज़ ही रह रही है, इससे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एसीजी लेते हैं तो एलएच हार्मोन पे जाके एक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसका एलएच हार्मोन पे जाके एक्ट कुछ नहीं होता, और ना ही वो ब्रेन को भी बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ बॉडी में। एक्चुअली एसीजी एलएच की जैसे मिमिक करता है, ठीक है, और मिमिक करता है तो ये फंक्शन ये ब्रेन में नहीं जाती, फंक्शन टेस्टिकल्स में जाता है, जिससे टेस्टिकल्स को सेंड ऐसा लगता है कि ब्रेन ने एलएच सिग्नल भेजा है। एस सी जी का जो इफेक्ट है वो आपके ब्रेन पर नहीं है, आपके ब्रेन का एचपीटीएस सिस्टम शट डाउन हो चुका है, एस सी जी उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, ठीक, एस सी जी सिर्फ आपके टेस्टिकल्स को ये सिग्नल भेज सकता है कि अब ये एलएच ही है तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन बनाओ, इसका ब्रेन से कोई मतलब नहीं। यदि इसका ब्रेन से मतलब होता तो इससे क्या फ़ायदा होता कि आप जब भी एस सी जी लेते आपका एचपीटी यदि सही हो जाता और आप बार बार अपने उसको टेस्टोस्टेरोन को बैक कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। यदि आप बार बार इस चीज़ को सही तरीके से नहीं करते हो, गलत तरीके से करते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन वो एचपीटीए डैमेज हो जाता है और फिर उसके बाद में वो एलएच हार्मोन्स के सिग्नल नहीं भेज पाता, ठीक है। तो ये चीज़ ये टेक्निकल इशू है, लेकिन इससे लोगों को कोई मतलब हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैंने नॉलेज वाले कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज की डेप्थ की थोड़ा जानना होता है, उनके लिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई। इसको हमने कैसे लेना, इसकी जो डोज है सबसे इफेक्टिव और परफेक्ट डोज है वो है 2000 IU एवरी अदर डे। मतलब यह है कि आज मैंने 2000 IU मैंने इंजेक्ट किया, कल का दिन छोड़ के परसों फिर मैंने 2000 IU इंजेक्ट करना है अपनी बॉडी के अंदर। ये है सबसे इफेक्टिव और परफेक्ट डोज। 2000 IU एवरी अदर डे डोज, देखो अभी तक जो साइकिल की हमने बात की थी वो हम लोग बात करते हैं 250 mg या 500 mg, ठीक है, 250 mg टेस्टोस्टेरोन या 500 mg टेस्टोस्टेरोन, 250 mg डे का, इस तरीके की जो साइकिलें हैं वो साइकिल एक बिगिनर लेवल के साइकिल, मैं इसको इंटरमीडिएट लेवल के साइकिल भी नहीं बोलूंगा, एक बिगिनर लेवल के साइकिल होती है। अब यदि आप बिगिनर लेवल के साइकिल में एडवांस लेवल की या प्रो लेवल की आप उसको पीसीटी यूज़ करोगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इससे ज़्यादा बढ़िया फायदा नहीं होता। 2000 IU SCG बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए जो इस तरीके की छोटी साइकिल चलाते हैं या कम डोज की साइकिल चलाते हैं, उसके लिए ऐसा क्यों है और क्या ऐसी चीज़ कोई नुकसान है। देखो हाँ कुछ हद तक आप यदि ज़्यादा किसी चीज़ का एबिस करते हो उसमें नुकसान है, तो सही डोज़ क्या है इसकी और नुकसान क्या है इसके बाद में बात करते हैं। सही डोज़ क्या है, यदि आपने जैसे कि मान लो फर्स्ट साइकिल ली है
मैं बता दूं कि फर्स्ट साइकिल आपने ली है तो आपको कई बार सीजी की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि आप बहुत जल्दी चाहते हो किस तरह से आपका आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यदि आपको लेना है तो एससीजी का सिस्टम क्या है, एससीजी 5 डेज तक बॉडी में उसकी एक्टिव लाइफ रहती है, यानी वो बॉडी में 5 डेज तक रहता है सिस्टम में आपके, यदि आपने एक बार इंजेक्ट किया तो 5 डेज तक आपके में है। अब यदि आप 2000 आयु आपने हर दूसरे दिन इंजेक्ट करना चालू कर दिया तो वो अभी आपकी बॉडी 2000 आयु गया नहीं है, तो बढ़ते बढ़ते 5000 7000 इस तरीके से काफ़ी बढ़ जाता है बॉडी में एससीजी। तो एससीजी ही किस तरीके से एक्ट करता है कि आप साइकिल में, बॉडी को फिर लगता है कि तो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, जब बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाती। आप एक चीज़ समझो, टेस्टिकल्स ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन। यहाँ ब्रेन में आपके एचपीटीए सिस्टम फिट है, और यदि वो अपना एलएच का सिग्नल खुद का नहीं भेजेगा जो ओरिजिनल एलएच का सिस्टम है, और यदि वो एससीजी पर डिपेंड हो, एससीजी बहुत जल्दी डिपेंड हो जाती है चीज़ें, यदि एससीजी पर डिपेंड हो गया, यदि आप ज़्यादा एससीजी लोगे तो फिर वो चीज़ भी वही सिस्टम चल रहा है, आपको एक तरीके से आपकी साइकिल ही चल रही है, ठीक है। आपके दिमाग साइकिल खत्म हो गई, लेकिन आपने 20 दिन जैसे इन्होंने बताया तो आपको 20 दिन यानी लगभग 1 महीने आप फिर से आपकी साइकिल ही चल रही है, तो आपको कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ एससीजी इतना चाहते हो कि आपके जो टेस्टिकल श्रिंक हो गए वो वापस से एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए यदि आपने स्टार्टिंग में 1 या 2 साइकिल की है 250 सी या 500 mg टेस्टोस्टेरोन की, जिसमें डे का नहीं है, या कुछ आपने डे का ले भी लिया तो डे का लिया तो समझ लो कि 500 IU आपको every 3 days लेना है, ठीक है। यानी आज आपने लिया तो 2 दिन बाद आप फिर 500 IU ले सकते हो। इससे ज़्यादा जिन्होंने डे का लिया है, जिन्होंने डे का भी ऐड कर लिया, वो 750 IU तक ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो 1000 IU तक ले सकते हैं। यदि आपने और बहुत ही हार्श कंपाउंड ट्रेन वगैरह अपनी बॉडी में नहीं डाले बहुत दिन तक, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और आपको 1000 IU बहुत इनफ है 3 दिनों के लिए। इससे भी ज़्यादा जिन्होंने जैसे कि 4-5 साइकिल चला लिया वो बहुत ज़्यादा करें तो 1000 IU एवरी अदर डे, ये बहुत है, ये बहुत ज़्यादा। यदि आपने इसमें यदि आपने ठीक से 3 वीक के बाद स्टार्ट किया तो इसमें आपके टेस्टिकल्स रिस्पॉन्ड करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और जो बहुत ही लेवल के हैं, जो 1000 2000 mg ऐसे यूज़ करने वाले हैं, जो कई कई सारे सॉल्ट यूज़ करते हैं, 5-5 7-7 सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, उनकी बात अलग है, वो 2000 IU एवरी अदर डे ले सकते हैं, ठीक है। एक अलग सिस्टम भी होता है एससीजी का, जिसमें आप एक ही बार में 5000 IU लेते हैं, और या फिर 2000 IU भी एक ही बार में लेते हैं 3 वीक्स के बाद, और वो एक साथ में 5000 IU, हालांकि इसमें मोस्टली लोग लेते हैं, वो एक बार ही में लेते हैं, और एक बार में ही वो टेस्टिकल्स को बिल्कुल तैयार कर देता है कि वापस से वो अब रिस्पॉन्ड करे आपकी नेचुरल एलएच पर, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि मैं उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, अलग केस होते हैं उसके, उसमें वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बढ़ाएगा, उससे क्या होता है, हमें मेन बूब्स होने की प्रॉब्लम होती है, तब वहां पर क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को बंद करने के लिए हम वहां पर लेते हैं टाइमोक्सिफिन टैबलेट यूज़ की जाती है, जिसको नॉल्वाडेक्स भी बोलते हैं, जो कि यूज़ होती है, आई थिंक इंडिया में बहुत रियर है, और पाकिस्तान में भी ये बहुत आम नहीं मिलती है, बहुत कम। इंडिया में बहुत रेयर है टेमोक्सिफन सैट्रेट, देखो मेरे पास है, ठीक है, तो ये कोई रेयर चीज़ नहीं है, यदि जिनको नहीं मिले उनके लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें लगता है कि भाई शायद इंडिया से नहीं है, ये पाकिस्तान से है, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ें बिल्कुल इजली अवेलेबल है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये रेयर चीज़ है, ठीक है। टेमोक्सिफन और बहुत ही चीप है, ये जो इसका 1 10 टैबलेट्स का आता है, ये 30 रुपये के आसपास का आता है, 3 रुपये की 1 टैबलेट है आपकी। ये कैसे लेनी है, जो फर्स्ट डे आपका, फर्स्ट डे में हमने इसकी तकरीबन 60 से लेकर 100 mg तक इसकी डोज लेनी है, मतलब ये कह लो 4 से 5 टैबलेट हम लोग। देखो कभी भी जो टैमोक्सिफेन हो गई वो आपको 40 mg से ऊपर नहीं लेनी है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि उससे ऊपर लेने का उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स एक गिनती के ही होते हैं, तो यदि आप ऐसा नहीं कि आप इससे बहुत ज़्यादा लोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने रिसेप्टर हैं, यदि उस सब रिसेप्टर से कोई चीज़ बाइंड हो जाए उसके बाद आप जितनी भी डोज ले लो उसका फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो 40 mg ज़्यादा नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे आपको 60 mg 100 mg लेनी है, इसका अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको आपको 40 mg मैक्सिमम है और इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। बाकी यदि जिनको गायनो की कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो देखो इस यही एक तरीका नहीं है, कुछ और भी तरीका है, AI इनहिबिटर हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे एरिमिडेक्स हो गए, एरोमेसिन हो गए, और कुछ किस केस में लेट्रोजोल हो गई, ठीक है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपने कैसे साइकिल की है, कौन आपका ट्रेनर है, कैसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो
इनका बता रहे हैं या जो भी डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि उन डॉक्टर की पीसीटी भगवान जाने क्या उस डॉक्टर को आता है क्या नहीं आता, क्योंकि आजकल के फर्जी डॉक्टर जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़े रिसर्च है, बहुत बड़े साइंटिस्ट समझने लग गए हैं, डॉक्टर तो समझते ही नहीं है। ठीक है, उनका वो सब्जेक्ट भी नहीं होता जिस सब्जेक्ट पर वो लोग बोलने लग जाते हैं। तो और उनकी जो इन्होंने पीसीटी बताई है, कह रहे हैं कि इनकी बताई है, तो ऐसा है कि ये जो क्लोमेड हो गया है, ठीक है, आप ये जो टेमोक्सिफेन सैट्रेट हो गई, ये जो चीज़ें हैं ये कोई इनके हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है जो इनको आपको प्री लोडिंग करनी पड़े या फ्रंट लोडिंग करनी पड़े, जैसे स्टार्टिंग में इतना ले लिया फिर इतना इतना लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको अपनी बॉडी में आराम से बिल्डअप होने दो, सेम डोज ही लो और डोज इसमें बाद में कम की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 150 mg की ले रहे हो, आपको साथ में टेमोक्सीपैन भी ले रहे हो, आप क्लोमेड भी इतनी ले रहे हो, आपको नहीं लेना है। बेटर है, कोशिश करो कि एक ही लें एक बार में तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यदि आपको लेनी पड़े कभी तो बात अलग की है, तभी मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें बहुत ही टेक्निकल है और इसमें आपको किसी ना किसी अच्छे ट्रेनर की, एजुकेटेड ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, ना कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर ट्रेनर की। और ये इसलिए होता है, तो इससे कुछ इफेक्ट होती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप बहुत ज़्यादा डोज यूज़ कर रहे हो जैसे इसमें बताई जा रही, तो आपको मोतियाबिंद होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरी एक चीज़ ये आपकी बॉडी बिल्डिंग के गेन को भी खा सकती है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी टेस्टोस्टेरोन तो इंक्रीज़ करती है, लेकिन ये आपका IGF-1 डिक्रीज़ कर देती है बॉडी में। IGF-1 जो हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन से कहीं ज़्यादा एनाबॉलिक है, वो सबसे ज़्यादा एनाबॉलिक हार्मोन्स है, तो वो लिवर में आपके IGF-1 को सप्रेस करती है। ये सब नॉलेज कहाँ है इन लोगों के पास? मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जिसकी भी आप XYZ वीडियो देखते हो। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस वीडियो को लेके अब आप समझ गए मास्टर हो गए, अब आप हर एक इंसान की साइकिल और उसकी PCT डिज़ाइन कर सकते हो या सबकी PCT डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लोडेड है, मैं सच कहूँ तो कि ये ऐसी वीडियो है जो शायद ही इंटरनेट पर, अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, मगर इंडिया में मैंने जितनी भी लोगों को देखा है किसी ने ऐसी एक भी वीडियो नहीं बनाई जिसमें इतनी सारी चीज़ें आपको नॉलेज वाली मिले। चाहे इंडिया की बात करें, पाकिस्तान के मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बांग्लादेश के आते हैं, ठीक है, इसलिए सभी लोग, सबके सब लोग जो मेरे पास आते हैं वो एक्चुअली में मेरे शागिर्द जो किए हैं वो होते हैं, तो मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ। तो गाइज, इम्पॉर्टेंट है आप सबकी हेल्थ, जिसके लिए मैंने बनाया है। इसका ही कोई मतलब नहीं, मैं इनको जानता तक नहीं, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानता और मेरा कोई वो नहीं, इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी अपनी इसी वाली वीडियो में और भी वीडियो में दी होंगी, तो बिल्कुल दी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझको लगी कि ये चीज़ें नहीं सही हैं, तो उन दो तीन चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पर कि वो चीज़ें ज़रूरी थे कि लोगों के पास जाए ताकि इन्फॉर्मेशन सही जाए। देखो लास्ट में जो व्यूवर्स हैं वही सब कुछ हैं यार, आप लोग हो तभी हम लोग हैं, आप वीडियोज़ देखते हो, आप यदि कोई वीडियो नहीं देखो तो हम कब तक वीडियो बनाएंगे? लेकिन यदि देख रहे हो ना, यदि आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि हाँ मैंने आपके हेल्थ के लिए कुछ बताया जो आपके काम का है, तो इस चीज़ को शेयर करो अपनी कम्युनिटी में, और जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, ताकि जहाँ जहाँ लोगों जाएंगे तो उनका भला होगा इसमें। ठीक है, उनको गलत चीज़ों की जो भी कुछ थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन होती है कहीं से वो नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका खुद का भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। होप कि आप ये चीज़ करोगे, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो, यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो बताओ मुझको कि क्या बात है, आपको समझ में आई क्या है क्या नहीं, सब कुछ आप मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर।